बच्चा बीमार करके लाई है हमारी गांव वाली भाभी। घर गया था और गिराए का क्या यार, नानी घर गया था हाँ। क्या तो इसने ले लिया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है, सारे बच्चे स्कूल में गए थे, देख कर ही बता सकते हैं कौन गांव वाली और कौन जयपुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो कल रात आई थी भाभी जयपुर से, वो जयपुर गई थी और जो दूसरी है जयपुरी रहती है वो भी उनके साथ आई थी, तो वो लेके आई थी। इसमें कुछ पेड़ है, मीठे नीम के जो पेड़ होते हैं ना वो लेके आई है, तो आज हम लगाएंगे इनको यहीं पे, यहीं कहीं सोच रही हूँ कहाँ लगाऊं, तो बस वही देख रही हूँ कहीं से कहाँ लगाऊं, और सारे पेड़ लेके आई हो, तो चलिए लगाते हैं इनको। एक ही है अब पता ही नहीं चल रहा इसमें, तो ये ना तीन चार पेड़ है, नहीं चार पांच पेड़ है, इनको लगाने से पहले इन कुछ लेके आती हूँ खोदने के लिए। लाए मुझे तो इसी से खोदता है, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ लगाऊँ इसे। मैं सोच रही हूँ एक यहाँ पे लगा देती हूँ और एक इधर लगा देती हूँ और बाकी के इधर कहीं भी लगा दूंगी, तो चलिए लगाते हैं, खोदती हूँ सबसे पहले तो यहाँ से मिट्टी, यहाँ ठीक रहेगा या फिर यहाँ ठीक रहेगा समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ ठीक रहेगा, पानी सही से लगता है। इतना काफी रहेगा, एक इधर भी खोद देती हूँ खड्डा, तो अब इसे लगाते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें टीडी पाउडर, ये बहुत जरूरी होता है डालना चाहिए क्योंकि दीमक लग जाती है कई बार क्या होता है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी राख, चूल्हे की राख होती है ना जो वो, और फिर और थोड़ा सा टेडी पाउडर, उसके बाद हमारा पेड़ लेंगे मीठी नीम का और इसे सीधा इसमें लगा देंगे और अच्छे से दबा देंगे, गैप नहीं छोड़ना चाहिए वरना ये सूख जाएगा, इसमें थोड़ी सी भी हवा लग गई तो, इसलिए इसे अच्छे से दबा के लगाना है और फिर थोड़ा सा और टीडी पाउडर डाल देना है और फिर राख और इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देनी है। तो लग चुका है ये, कुछ इस तरीके का दिखता है ये पेड़, मीठी नीम का पेड़ है ये, मैंने तो पहली बार देखा है। अब इसी तरीके से सारे पेड़ लगा देते हैं, फिर दिखाती हूँ लगाने के बाद में आपको। तो सेम प्रोसेस पे मैंने सारे पौधे लगा दिए जहाँ जहाँ पे मैंने गड्ढे खोदे थे लगाना था उनको, अब डालूंगी उनमें पानी, दिखाती हूँ आपको। तो एक तो हमारा ये रहा, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना। एक यहाँ पे लगाया है, इधर भी डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, और यहाँ डाल लगाया है और वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी लग चुका है,
इस पाइप में से आ रहा है पानी और इसमें डल चुका है अपने यहाँ पे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पानी डालने की। एक यहाँ पे लगाया है, इसमें भी डाल दूँगी थोड़ा सा। कल रात जब भाभी आई थी तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो चलिए वो ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारी पुरानी भाभी, ये हमारा छोटा बच्चा है। इधर आ, कहाँ से आया है तू ये बता, कहाँ से आया है? किधर से आया, किधर है, कहाँ गया था ये बता। मेरे घर थोड़ी गया था इतने दिनों से, कहाँ था तू ये बता। इधर आ, ये बता किधर गया था तू। नानी के घर गया था। शैतानी करा और क्या क्या किया? मुझे गोल गोल वाला ट्रक चाहिए। गोल गोल वाला ट्रक चाहिए, चलो वो तो रख देंगे बाद में। पहले बता तूने वहाँ क्या क्या किया। वहाँ पर डांस करा। डांस करा स्कूल में? नहीं, घर पे। तू तो स्कूल में भी तो करता था। हाँ। कैसे करता था? वो तो कैसे करा था? सारे बच्चे स्कूल में रहते। अच्छा, तुम मिस किस किस को किया ये बता। इस डुगू को किया? मैंने ऐसी टक्कर खाया। वो इस डुगू के पास है। टूट गया? नहीं, डुगू के पास है। डुगू के पास है, इसने ले लिया। ये कैसा देख रहा है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्यों देख रहा है इसे? पूछ क्यों देख रहा है तैसे? पूछ इससे। देख क्या? उधर देख कैमरे में देख। ये अपने डॉगी लड़ाई कर रहा है। कैसे कर रहे हैं लड़ाई? इसलिए गुस्से में हो रहे हैं, इसलिए ये लोग साइड में कर रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गुस्से में? अच्छा तो ये बता, तूने मिस किस किस को किया है? किस हा? किस को मिस किया? इस काली को किया? नहीं, तुझे। मुझे किया? हाँ। फिर तू आया क्यों नहीं मेरे पास? आऊंगा अभी। आ तो गया पागल, चल तेरी मम्मा के पास चलते हैं। बन गया क्या? ये इतनी बड़ी थी, ये बड़ी नहीं हुई, ये इतनी ही आती है। ये हमारा प्यारा बच्चा बीमार करके लाई है हमारी गांव वाली भाभी। ये हमारी जयपुर वाली भाभी है। जयपुर वाली भाभी और गांव वाली भाभी देख कर ही बता सकते हैं कौन गांव वाली और कौन जयपुर वाली। अरे बता सकते तू देख, खुद ने देख और यान देख। बकवास मत कर, पकड़ तुझे पता है? तुझे पता है क्या? मेरे फोन में, मेरी मम्मी के फोन में मैंने हदाई वाले गेम डाउनलोड करा है। अच्छा, बस तू यही कर सकता है हाथ से। ये देखो हमारी जयपुर वाली भाभी अब सफाई करेगी अपने रूम की। तुम्हारा रूम कुछ ऐसा हो रहा है, मैं ना बोलूं। तुम्हारे पति ने रखा होगा? हाँ, ये नहीं मैं। तू खुद चल जा, परेशान कर रहा है। आ गए जयपुर वाले मेहमान। आते के आते ही शुरू। अब तुम्हारे यही काम है चाय बनाने। पौंद बीमार हो रहा है।
आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम कर रहे थे इस टाइम पे हमारी इधर उधर की बातें, तो हमारी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही